वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो फाइनली एम्स की वैकेंसी आ गई है। नॉर्सेट एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2021 में। एग्ज़ाम आपका होगा 20 नवंबर, डेट दी गई है। तो ऑल ओवर थिंग्स जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आफ्टर दैट वीडियो जो अब एम्स के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उनके पेपर्स ऑल ओवर थिंग आपको एंड में बता दी जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, तो आप भी डायरेक्ट नोटिफिकेशन तक पहुँचने के लिए या फिर पूरा डिटेल में देखने के लिए, तो यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट के लिए ओपन करके देखेंगे कि क्या वैकेंसी हैं, कितनी सीट हैं ऑल ओवर थिंग। तो यहाँ पर जो एम्स ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है 16 अक्टूबर को निकाला गया है, लास्ट डेट क्या है, कितनी सीटें हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो जिन भी लोगों को अभी तक ये डाउट था कि 2021 में एम्स का पेपर होगा या नहीं, तो इस बार पेपर ज़रूर होगा, 20 नवंबर डेट दी हुई है। बट यहाँ पर एक सैड न्यूज़ भी है साथ में कि 80-20 रेशियो भी लगाया गया है। जो अभी तक कोर्ट केस चल रहा था वो उन्होंने अभी साइड में रख के प्रीवियस जो नोटिफिकेशन था सेम एज है, तो 80-20 रेशियो भी लगाया गया है। तो नॉर्सेट 2021 के लिए आपको पे बैंड सेकेंड से 9300 से 34800 प्लस, ग्रेड पे 4600 रहेगा। ग्रुप बी की पोस्ट रहेंगी। यहाँ पर एम्स दिल्ली और जो इतने अदर एम्स हैं वहाँ पर जो वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न रहती है हमेशा से कि कौन कौन एप्लीकेबल रहेगा। तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एम्स की यही खासियत है कि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, बट जीएनएम वालों के पास 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी रखा गया है। तो जीएनएम वाले वही लोग अप्लाई करें जिन्होंने अपनी एजुकेशन के बाद एटलीस्ट 2 साल तक 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम किया हो, और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने कहा है कि आपकी एजुकेशन ख़त्म हो गई हो, आपका रजिस्ट्रेशन आ गया हो, उसके बाद का आपका जो एक्सपीरियंस है वो माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप फाइनल ईयर में जाके जॉब ज्वाइन कर ली और आपका वो एक्सपीरियंस माना जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है। तो यहाँ पर बीएससी वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर कैंडिडेट आपके पास रजिस्ट्रेशन हो आप अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है, एंड देन अदर जो एज रिलैक्सेशन है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको लगेगी जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 3000 और जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले उनको 2500। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फीस आप कैसे पे कर सकते हैं, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप इसको पे कर सकते हैं। और यहाँ पर आफ्टर दैट आपकी यदि फ़ी कट जाती है तो किसी भी तरीके का आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि यदि आपने फ़ीस के साथ जो अपना फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सीबीटी डेट भी दे दी गई है। सबसे अच्छी बात एम्स की यही रहती है कि फटाफट, मैंने आपको लास्ट लाइव स्ट्रीमिंग में बताया था कि यदि फॉर्म फिलअप होंगे तो 10 दिन के अंदर फॉर्म भरवा के आपका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। तो सेम थिंग इन्होंने यहाँ पे की है कि आपके आफ्टर फॉर्म फिलअप के बाद 20 नवंबर 2021 एग्ज़ाम डेट है जो रखी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट क्या है। तो 16 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं, 30 अक्टूबर लास्ट डेट है आपके लिए। ओनली 14 डेज का टाइम दिया हो गया है, शाम के 5 बजे तक आपके फॉर्म है जो सबमिट हो जाना चाहिए। यहाँ पर कहा है नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट इन फिजिकल फॉर्म। तो आपको जाके वहाँ पर कोई भी तरीके से अपना फिजिकल, मतलब आपको वहाँ प्रेजेंट होकर कुछ भी सबमिट नहीं करना है, आपको ओनली ऑनलाइन चीज़ें ही सबमिट करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और करेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है, 31/10/2021 से लेकर 1 नवंबर 2021 तक की यहाँ पर टाइम दिया गया है, शाम के 5 बजे तक। ऑनलाइन पोर्टल फॉर्म फिलअप का 30 अक्टूबर को बंद हो जाएगा, तो आप 30 अक्टूबर के पहले ही अपना फॉर्म फिलअप कर लें, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें। इमेज इंस्ट्रक्शन ऑल ओवर थिंग आपके लिए इसी नोटिफिकेशन में आपको लिंक दी जाएगी जहाँ से आप
आपको कितनी इमेज, कितने जेपीजी की इमेज है जो इंसर्ट करनी है फॉर्म फिलअप में। एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर। हम बात करेंगे कि किसके लिए कितना है, तो एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी 10 साल, और अदर कैटेगरी के लिए पीडब्ल्यूडी और प्लस ओबीसी हैं तो 13 ईयर, और पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी हैं। तो ये चीज़ें आप जो भी लोग फॉर्म फिलअप करें उसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ते जाएँ। सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को एज रिलैक्सेशन अलग है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि वैकेंसी कितनी है और किस एम्स के लिए कितनी वैकेंसी निकली है। तो लास्ट ईयर आई थिंक 4000 कुछ वैकेंसी थी। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपके लिए एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, ये सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर साफ कहा गया है कि आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 3 आवर का 180 मिनट्स के लिए। 200 MCQ आएंगे 200 मार्क्स के, 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच MCQ, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके MCQ, जिसमें से 180 MCQ आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स के रहेंगे, बाकी रिमेनिंग 20 MCQ आपके जीके और एप्टीट्यूड के रहेंगे। माइनस मार्किंग यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई, 1/3 रहेगी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यहाँ पर आपको एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स यदि बात की जाए तो 50% जनरल कैटेगरी EWS के लिए चाहिए, 45% OBC के लिए और 40% SC ST वालों के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखें कि यदि आपने एम्स नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं कि एटलीस्ट आप कितने मार्क्स आने चाहिए, वो पासिंग मार्क्स होंगे। यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा किसके लिए, PWBD कैंडिडेट के लिए। तो आई होप आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझ में आ गया हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, 180 नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे और बाकी 20 क्वेश्चन जीके और एप्टीट्यूड के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 50% जनरल वालों के लिए चाहिए मार्क्स और 45% OBC, 40% SC ST के लिए। और यहाँ पर यदि टाइप होता है, इनकेस दो लोगों के एक से मार्क्स आते हैं तो टाइप क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, फर्स्ट बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ विथ होल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, इसकी एज ज़्यादा होगी उसको रखा जाएगा। इफ़ इट नॉट रिजॉल्व बाय देन नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, तो यदि आपके एज के अकॉर्डिंग भी यदि टाइप होता है तो आपके जो रॉन्ग आंसर हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कोरिंग की जाएगी। जब आपका एग्जाम होगा तो नॉर्सेट स्कोर मेरिट के बेस पर रखा जाएगा। सिलेबस यहाँ पर कहा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन और एडवर्टाइजमेंट, दैट मीन्स आपने जो चीज़ें GNM BSc नर्सिंग में पढ़ी हैं उनमें से आपको कुछ भी दिया जा सकता है। यहाँ पर इनका कहने का मतलब यही है कि आपने जो GNM और BSc के सब्जेक्ट अटेंड किए हैं 4 साल और 3.5 साल के अपने कोर्स में, उनमें से आपको कुछ भी यहाँ पे दिया जा सकता है। गाइडलाइंस एप्लीकेशन फॉर्म की यहीं से, जो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आपको पूरी गाइडलाइंस मिल जाएगी। अब बात करेंगे वैकेंसी की, कितनी पोस्ट किस एम्स के लिए है। तो टोटल 18 एम्स के लिए, 18 एम्स के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जैसे एम्स भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर जो कि तेलंगाना का है, तो यहाँ पर अलग अलग एम्स की यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, जो बहुत जल्दी इन्होंने कहा है कि अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है किस एम्स के लिए कितनी सीट है। इन्होंने कहा है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर रहेंगी अलग अलग एम्स की, यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि किस एम्स के लिए कितनी वैकेंसी है। तो इस बार टोटल 18 एम्स के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। तो लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा वैकेंसी एम्स न्यू दिल्ली की थी, इस बार देखते हैं किस एम्स के लिए कितनी वैकेंसी रहेंगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि 80-20 रेशियो भी लगेगा, जो 80% फीमेल और 20% मेल लिए जाएंगे वो रेशियो यहाँ पर लगेगा। इन्होंने कहा है कि फोर्थ मीटिंग जो 27 जुलाई 2019 को हुई थी उसके अकॉर्डिंग अभी उस चीज़ को रिजर्व रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि 80-20 रेशियो है जो लागू होगा, यहाँ पर उसको चेंज नहीं किया गया है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सिलेबस क्या होगा, आपका एग्ज़ाम क्या होगा, तो सभी चीज़ें आपको एक बार नोटिफिकेशन पूरा रीड आउट कर लेना है। और आपको स्पेशली इमेज को लेकर, इनकेस आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसके लिए आप पहले से पूरा रेक्टिफाई, पूरा जो नोटिफिकेशन स्पेशली इमेज को लेकर, जनरली बहुत सारे लोगों के फॉर्म इमेज को लेकर रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ आप इस बार बिल्कुल भी ना करें। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया है, आप कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। एंड लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर परचेस करना चाहते हैं, इवन 2020 में जो नॉर्सेट हुआ था उसके पेपर तक, तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको
पूरी पीडीएफ एटलीस्ट 20 पेपर रहेंगे एम्स के, वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और आज से ही अब हम एम्स की जो क्लासेस रहेंगी वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 180 मार्क्स है, 180 क्वेश्चन है, नर्सिंग सेक्शन से आने वाला है। तो आई होप आपको ये नोटिफिकेशन हेल्पफुल रहा हो और आप आज से ही अपने फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दें। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आपको इमेज करेक्शन समझ में नहीं आता है तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पर इमेज इंस्ट्रक्शन इसमें साफ दिए हुए हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यदि आप नए हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस वेबसाइट के लिए, तो यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ से रीड आउट कर लेना है। तो इमेज इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से एक बार रीड आउट कर सकते हैं कि आपको कितने JPG की किस फॉर्मेट की इमेज है जो लगानी है। पूरी गाइडलाइन दी हुई है ताकि आपका इमेज को लेके फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।